इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे इस टाइप का मैनुअल चेंज ओवर स्विच का कनेक्शन कैसे किया जाता है, जिसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी दो पावर सप्लाई को चेंज करने के लिए। जैसे कि एक साइड आप जनरेटर का कनेक्शन कर दीजिए, दूसरे साइड आप मेन पावर सप्लाई गवर्नमेंट का कनेक्शन कर दीजिए, और इस हैंडल से आप चेंज कर सकते हैं ऊपर और नीचे। या कोई भी दो जनरेटर रहे तो भी आपका दो पावर सप्लाई है जनरेटर का, या किसी भी तरह का दो पावर सप्लाई है तो उसे चेंज कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग इसे इस्तेमाल करते हैं एक जनरेटर का सप्लाई और एक गवर्नमेंट पावर सप्लाई को चेंज करने के लिए। तो इसके अंदर कनेक्शन कैसे किया जाता है प्रॉपर तरह से हम आपको दिखलाएंगे बतलाएंगे, प्लस यहाँ पे लाइन भी देंगे और स्कोप टेस्ट करके आपको दिखलाएंगे इस बल्ब के थ्रू। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो दिया गया है इसे ओपन कर लेना होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फटाफट इस चारों को खोल लेंगे, दो ब्लू है और दो रेड है, और इस चारों को हम यहाँ पे खोल लेंगे और इसमें जो स्क्रू दिया गया रहता है अच्छी तरह से पूरा ओपन कर लेंगे। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ से मैंने चारों को ओपन करके यहाँ साइड में रख दिया। अब चलिए इसका कनेक्शन करने से पहले ये हैंडल लगा देंगे। अब ये हैंडल में यहाँ पे चीरा पिन दिया गया है, हो सकता है कि आपको स्क्रू दिया गया हो तो आप स्क्रू लगा करके इसे कस दीजिएगा। अगर चीरा पिन दिया गया है तो इस तरह से चीरा पिन लगाने के बाद इस तरह से आप फैला दीजिएगा। बहुत से में क्या रहता है, हैंडल में ये जो है ये कसने के लिए दिया गया रहता है, तो अगर ये दिया गया है तो इस तरह नीचे से लगा के ऊपर से कैप इसका कस दीजिए। तो हैंडल आप लगा दीजिएगा। हैंडल लगाने के बाद देखिए ये न्यूट्रल है, यानी ऑफ है, बीच में है, कोई भी पावर सप्लाई ये अभी चालू नहीं देगा कनेक्शन करेंगे तो। अगर इसे नीचे करेंगे तो नीचे जिसका कनेक्शन किए रहेंगे वो काम करेगा, अगर ऊपर करेंगे तो ऊपर जिसका कनेक्शन किए हैं वो काम करेगा। अब चलिए हम कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर कहीं पे किसी बोर्ड पे लगा रहे हैं तो ये जो बसवार पत्ती है ये लोड का होता है, तो एक बार इसे चेक कर लीजिएगा, इसमें जो स्क्रू रहता है उसको टाइट कर लीजिएगा। अगर लूज है तो उसे टाइट कर दीजिए, नहीं तो फिर वो लूज रहेगा, फिर हीट होगा, स्पार्क करेगा और धीरे धीरे खराब हो जाएगा और जल जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि इसमें जितना स्क्रू है उसको चेक कर लेना। अगर कोई भी स्क्रू अगर आपको लूज लग रहा है तो उसे टाइट ज़रूर कीजिए। अब चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम आपको बता दें अभी इसके अंदर पावर सप्लाई नहीं है। ये आपका जनरेटर का है ब्लैक वाला, और ये मेन गवर्नमेंट पावर सप्लाई का है। तो यहाँ पे जनरेटर का कनेक्शन हम नीचे के साइड से करेंगे। तो इसमें लोड का तो ये पत्ती है, ये है, यानी ये कनेक्टर पॉइंट है, ये कनेक्टर पॉइंट है, इनपुट का ये है, ये है। तो सबसे पहले हम इनपुट का कनेक्शन यहाँ पे करेंगे। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे एक इसमें कनेक्शन कर देते हैं। उसके बाद दूसरा वाला यहाँ पे कर देते हैं। ये हमारा जनरेटर का फेज न्यूट्रल दोनों है, और एक ही कलर का है ब्लैक, लेकिन आप दो कलर यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास अवेलेबल था ब्लैक ही, तो ब्लैक ही यूज किए। तो ये जनरेटर का हमारा हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से जो मेन हमारा गवर्नमेंट पावर सप्लाई का वायर है इसका यहाँ पे लेंगे और इसको भी सेम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे, एक यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे। ऊपर से हमारा गवर्नमेंट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो गया। अब रहा लोड, तो लोड के जगह पे हम इस बल्ब का कनेक्शन करेंगे। इसके जगह पे आपको अपना लोड का कनेक्शन करना है। अगर घर में लगा रहे हैं तो घर का, या किसी दुकान या जहां का भी आप लोड चलाना चाहते हैं उसका आपको कनेक्शन करना है। बस हम आपको चेक करने के लिए इसका कनेक्शन कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप चाहें तो नीचे से भी कनेक्शन कर सकते हैं, चाहें तो ऊपर से भी कनेक्शन कर सकते हैं। हम फिलहाल ऊपर से ही कनेक्शन करते हैं, यानी ऊपर से ही वायर लाते हैं और यहाँ कनेक्शन कर देते हैं। इस तरह से यहाँ पे हमारा कनेक्शन फुल हो गया। अब सबसे पहले इसे न्यूट्रल करते हैं, यानी ऑफ करते हैं, और इसके अंदर हम सबसे पहले पावर सप्लाई करंट देते हैं। अभी इसके अंदर हम करंट दे दिए हैं, और इसे चलिए सबसे पहले हम नीचे करते हैं जनरेटर के साइड। तो यहाँ पे इस तरह से किए तो ये पावर सप्लाई आउट कर गया, जैसे कि हमारा बल्ब जल रहा है, यानी जनरेटर हमारा आउट कर रहा है। अब इसे क्या करेंगे, इधर करेंगे और फिर इसके बाद इसमें टच करेंगे, ऊपर वाला चेंज करेंगे, ऊपर के साइड किए तो वो भी हमारा आउट कर गया। यानी इसमें कनेक्शन हमने जो किया है वो परफेक्ट है और बराबर काम कर रहा है और अच्छा काम कर रहा है।
अगर आप इसे चाहते हैं एक अच्छी बोर्ड पे लगाएं तो हमारे दूसरे चैनल में बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएंगी, जिसमें MCB, किटकैट, जो भी आप लगाना चाहते हैं एक अच्छा इलेक्ट्रिकल मेन बोर्ड बना सकते हैं इसे लगा करके। तो आप उन वीडियो को देख लीजिए हमारे दूसरे चैनल में जा करके। इसमें सिर्फ मैंने ये समझाने और बताने की कोशिश किया है कि मेन पावर सप्लाई इनपुट और आउटपुट का कनेक्शन कहाँ पे होता है। जैसे जो नए हैं, नए इलेक्ट्रिशियन हैं या बिल्कुल नए हैं, जो नए जानते हैं चेंज ओवर स्विच का कनेक्शन कैसे करते हैं, तो उन्होंने उस चैनल पे जाकर के कमेंट किया था कि हमें समझ में नहीं आया, बिल्कुल सिंपल बताइए कि चेंज ओवर का कनेक्शन कैसे होता है। तो मैंने ये वीडियो इस पर बनाया हुआ है ताकि आप बेहतर तरह से समझ जाएँ। जो बिल्कुल नए हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है, जो लोग पहले से जानते हैं उनके लिए शायद ये वीडियो उतनी अच्छी नहीं हो, पर मैंने कोशिश किया है कि जिनको नहीं मालूम हो उन्हें मालूम हो जाए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई इलेक्ट्रिकल टॉपिक पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद जो घंटी का आइकन आएगा उसे दबा के उसका नोटिफिकेशन जरूर ऑन कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।